नमस्कार, आप हैं गुड मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। बिहार में मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बम से उड़ाने की आईएसआई साजिश रच रहा है। इसकी सूचना मिलने के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। वहीं सूत्रों का कहना है कि आईएसआई उन ट्रेनों को अपना निशाना बनाना चाह रही है जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर सफ़र कर रहे हों, ताकि जान माल का ज़्यादा नुकसान हो सके। ट्रेनों में टाइमर के जरिए बम लगाने और ब्लास्ट की आईएसआई की साजिश जो है रची जा रही है। सूचना मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी। संदिग्ध लोगों को लवारिस वस्तुओं पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही संदिग्ध वाहन और लोगों पर पैनिंग नजर रखी जा रही है। दरअसल दरभंगा स्टेशन पर 17 जून को हुए पार्सल ब्लास्ट के बाद से बिहार रेल पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों की जांच में कई बातें सामने आई हैं। इसमें खौफनाक साजिश चलती ट्रेन में बम ब्लास्ट की है। वहीं आईएसआई की जो लेटर रेल पुलिस को मिली, उसमें पाकिस्तान की आईएसआई ने पंजाब में अपने स्लीपर सेल को टाइमर के साथ एक बम लगाने को कहा है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि तारों को जोड़कर उसे ट्रेन लगाओ। लेटर में ये भी लिखा गया है कि बम को उस ट्रेन में लगाना है जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के ज़्यादा मजदूर सफ़र करते हैं। जिसके बाद रेल एसपी ने सभी प्रमुख स्टेशनों पर पैनी नज़र रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों से अपील भी किया है कि कुछ भी असामान्य दिखे तो इसकी तत्काल सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखी जाएगी। बताते चले कि पिछले दिनों दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए विस्फोट में एएनआई ने लश्कर के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है और आतंकवादी का बीच बीच में पूरे देश में थ्रेट आता रहता है और पटना जंक्शन एक महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ लाखों यात्री आते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हम लोग बराबर चेकिंग अभियान चलाते हैं और आज हम लोगों ने विशेष चेकिंग अभियान रखा है। विस्फोटक पदार्थ की बरामदगी और संदिग्धों की गिरफ्तारी हेतु उसमें हमने डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड दोनों का सहारा लिया है और ये मेरा चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल गुड मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।